चार शाम अभी अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है। अटल जी की जयंती है, बस यही कहूँगा कि आज ये भारत, ये नया भारत का सपना उन्होंने देखा था, उनके यशस्वी प्रधानमंत्री उन्हीं के रास्ते चल रहे हैं। उन्होंने एक ऐसी लॉ जगाई जो पूरे विश्व में उसकी बात हुई, वो सनातन धर्म था, एक भारत था, राष्ट्र भारत था, अखंड भारत था, उसको नया भारत का स्वरूप दिया। तो मैं पूरा धन्यवाद उनको देना चाहता हूँ, हमारे अटल जी को, और आज प्रधानमंत्री जी उसी पद चिन्हों पर चल रहे हैं। हम लोगों के गौरव थे, हम लोगों के नेता थे, आज उनके उनकी सोच, उनके विचार की कैसे अपोजिशन को भी सम्मान से लेके चलते थे, उनके बात विचार, उनकी बोली, उनकी शैली सीखने जैसी थी। पार्लियामेंट में बोलते थे, कभी किसी को हंसी मजाक में ही अपनी कविताओं में बड़ी बड़ी बातें कर जाते थे। एक उनके अंदर एक ज्वलित इंसान भी था अंदर, लेकिन उसको सौम्य चेहरे के साथ वो बोलते थे। उसमें पाकिस्तान के लिए भी एक डर रहता था, चाइना के लिए भी डर रहता था, और नए भारत को एक विश्व गुरु बनाने का भी सपना था, जिसको आज पूरा रामराज्य का सपना उन्होंने देखा था, राम मंदिर का सपना उन्होंने देखा था। आज उनकी जयंती पे मैं नमन करता हूँ, और मैं सौभाग्यशाली अपने आप को महसूस करता हूँ कि मैं उसी कमल चिन्ह को जिसको उन्होंने खिलाया था, जिसको उन्होंने पालन पोषण किया, जिस कमल का, जिस चिन्ह का, निशान का, आज मैं उसी के छत के नीचे, मैं एक सांसद के कार्यकर्ता के रूप में आज देश की और अपने गुरुत्व की सेवा कर रहा हूँ।